मेरे भाइयों, ये गुजरगाह है, ये गुजरगाह है, ये गुजरगाह है। इलमु अन्नम अलहयातु दुनिया लाइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफाखुर बैनकुम व तकाफुर फिल अमवाल वल औलाद कमसल गैस अअजब अलकुफार नबातुहु ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। मेरे बंधु, ये सारी दुनिया खेल और तमाशा है। चंद बच्चे आपस में खेल रहे हो तो तुम कहते हो बच्चे खेल रहे हैं, और कोई कंपनी बना के कारोबार शुरू करे तो अल्लाह कहता है ये भी खेल रहे हैं। उधर कुछ बच्चे मिट्टी में कोठे बना रहे हो तो हम कहते हैं खेल रहे हैं, और कोई ये सैटेलाइट टाउन में बिल्डिंग बना रहा हो तो अल्लाह कहता है ये भी खेल ही रहा है। बच्चा प्लास्टिक की गाड़ियों को भगा रहा है तो हम कहते हो ये खेल रहे हैं। कोई लैंड क्रूजर के चक्कर में है तो अल्लाह कहता है ये भी खेल ही रहा है, ये भी खेल है, वो भी खेल है। लाइब व लहव, मदारी का तमाशा। जंग के बाजार में मजारी ने डुग डुगी बजाई, आओ भाई अंडे चुतों बच्चा काट के विखाई, बच्चा काट के विखाई। पागल लोग कट्ठे हो गए। अकलमंद ने कहा ये लोग तमाशा देखने में लगे हुए हैं। तो मेरा रब कहता है तुम्हारी बादशाहत भी तमाशा है, तुम्हारा फक्र, तुम्हारी बादशाही, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा उरूज, तुम्हारा जवाल, ये सब तमाशा है। मौत पर पर्दा उठेगा, जिनका पहले उठ गया वो नसीब वाले, जो उसी में मर गए, लुट गए, बर्बाद हो। बनाने वाला, बनाने वाला अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह से पूछो ये दुनिया क्या चीज है, कहीं ईमान ना गंवा देना, चंद सिक्कों पे ईमान का सौदा ना हो जाए, कहीं कहीं चंद दिन की जिंदगी पर हम आखरत को बर्बाद ना कर बैठे, कहीं अल्लाह उसके रसूल को हम नाराज न कर बैठे, तो ये बड़ा घाटे का सौदा है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नी बदअतु बिद्दुनिया वलम तकुन शैआ व अना अल्लज़ी उईदुहा। मेरे बंदो, मैंने दुनिया बनाई थी, मैंने मिटाई है, अब दोबारा जंग की जमीन को बिछाऊंगा, फिर तुम्हें कब्रों से निकालूंगा। फिर फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर, फिर क्या होगा, कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरकदिना, मर गए था, ये कब्र चुके हैं सानू कर लिया। उसके जवाब में कुछ लोग कहेंगे कब्रों से निकल कर हाजा मा वादर रहमान, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था, हम तुम्हें कहते थे, तुम कहते जाओ जाए मैंने डराया करो, मौलवी तो हिक्के काम नु लगो, डराइए रख दे, डराइए रख दे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, आप पे बशकेसी, हमारा जो माहौल है अल्लाह आप पे बशकेसी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, आप पे बशकेसी। मैंने कहा ये फलसफा इमाम हुसैन को समझ में ना आया कि अल्लाह आप पे बशकेसी, आप भी कुछ गया, औलाद भी सारी जबा करवा दी थी, ये अल्लाह आप पे ही बचकड़ाई थे, एडे वड्डे काम करने की लोड़ केड़ी आई है। हाय, रात को घूंघर रही हो एक औरत और एक रात को मुसल्ले पे रो रही हो, अल्लाह दोनों को बराबर कर देगा। एक शराब की महफिल सजा रहा हो, एक जिक्र की महफिल सजा रहा हो, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक अपने माल से लोगों का जमीर खरीद रहा हो, एक अपने माल से अल्लाह का, अल्लाह की रजा खरीद रहा हो, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अम नजअल मुत्तकीन कल फुज्जार, मेरे बंदो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये नेक और बद में बराबर कर दूंगा। अफ नजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मेरे बंदो ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुजरिम और महरम में बराबर कर दूंगा। अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, ये कौन सी किताब में लिखा है, मुझे भी तो अल्लाह हमसे कह रहा है, मुझे तो बताओ ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है। एक औरत का बाल नजर नहीं आता, एक बाहों में बाहें डाल के नाच रही है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अल्लाह का तराजू कहां चला गया। एक को अल्लाह ने इज्जत दी वो नीचे झुक गया, रिस्क दिया उसने गरीबों का खर्च किया, एक को अल्लाह ने रिस्क दिया उसने शराब की महफिलें सजा दी, अल्लाह दोनों को बराबर कर देगा। इतना अन्ना कानून रबदा, अल्लाह आप पे बशके सी, अल्लाह आप पे बशके सी, डराई जान दो सानू, डराई जान दो। मेरी तो आदत, मैं तो कुरान से बात करता हूँ, मैं तो अपना फलसफा बयान नहीं करता हूँ, मैं आप अल्लाह की किताब साथ साथ आपको सुना रहा हूँ, मेरी बात तो मेरे मुंह पे मार दो, मेरी औकात क्या है।
मेरी हैसियत क्या है। अल्लाह की बात है तो सर झुकाओ वरना ये गर्दनें तोड़ दी जाएंगी, ये सर खाक में मिला दिए जाएंगे। हाँ हाँ, गुरूर था सुरूर था, हटो बचो कशोर था, और अब ये अपना हाल है कि लहद का भी पता नहीं, कब्र किथे गई, ऐ पता कोई नहीं कब्र किथे गई। दुनिया का सबसे बड़ा पता करने वाला चंगेज खान है, मुझे उसकी कोई कब्र दिखा दे। सिकंदर आजम यूनान का, मुझे कोई उसकी कब्र दिखा दे। अल्लाह के सामने झुको भाइयों, अल्लाह के सामने झुको, मरने से पहले पहले तौबा करो, सुलह कर लो। काम बड़ा मुश्किल है, घाटी बड़ी मुश्किल है, कब्रों से उठाया जा रहा है। कुछ चेहरे बड़े खूबसूरत, यो मतलब यद्दो वजूह, कुछ चेहरे बड़े बदसूरत, व तस्वद वजूह, कुछ कब्रों से निकल कह रहे मंबासना, किसने उठाया, मारे गए। दूसरों ने कहा हाजा मा वादा रहमान, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने कहा था। फिर फौज और फौज अल्लाह की तरफ सफर हुआ है, सफर हो रहा है, कैसे हो रहा है। यौम नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, कईयों की जबानें बाहर निकली हुई है प्यास की शिद्दत से। यौम नहशरुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, नेक लोग सवारियों पे जा रहे हैं, नाफरमान की जबान बाहर निकली हुई है। आज फैसले का दिन है, सुनो मेरे भाइयों, ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है। हक भी रहेगा, बातिल भी रहेगा, रोशनी भी रहेगी, अंधेरा भी रहेगा, जुल्म भी रहेगा, अदल भी होगा, घुंघरू भी छनकेगा, आंख का आंसू भी छलकेगा, हलाल भी चलेगा, हराम भी चलेगा, निकाह भी चलेगा, जिना भी चलेगा, यहाँ मुनाफ़िक़त भी चलेगी, ईमान भी चलेगा, रात के चोर भी होंगे, रात के रोने वाले भी होंगे, अपने इक्तदार में अकड़ने वाले भी होंगे, झुकने वाले भी होंगे, मिलावट वाले भी होंगे, दयानत वाले भी होंगे, रोने वाले भी होंगे, गुर्राने वाले भी रहेंगे, और मेरा अल्लाह सबको देखेगा। और ऐलान किया है ला याज़बान रब्बक मिन मिस्काल ज़र्रा, एक राई के बराबर मेरी नजरों से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो ये अल्लाह इन्हें नाप का नहीं। वला तहसबन अल्लाह गाफिला अम्मा यअमल ज़ालिमून, मैं गाफिल नहीं हूँ, एक दिन के लिए इनको मोहलत दी हुई है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहि अल-अबसार, इनको मौत तक मोहलत है, फिर मेरा अल्लाह ये मोहलत खत्म कर देगा। वो दिन अल्लाह ने सामने रखा हुआ है, जो उसकी तैयारी करके चलता है वो कामयाब है, जो उसकी तैयारी नहीं करता और इसी चीज को मंजिल बनाता है वो मौत को उसको पता चलता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझसे धोखा हो गया, मुझसे फ्रॉड हो गया। तो मेरे भाइयों, जिंदगी का कामयाब तर्ज ये है कि अल्लाह को राजी करते हुए जान जाए, माल जाए, मुल्क जाए, जो भी जाए चला जाए, अल्लाह हाथ से ना जाए। अल्लाह को राजी करते हुए आखिरी चीज है जान और माल का लगाव अल्लाह पर। लेकिन दोनों तरह के लोग रहेंगे, हुकूमत पे बिक जाने वाले भी होंगे और सूलियों पे चढ़ जाने वाले भी होंगे। फैसला अल्लाह एक दिन करने के लिए खुद आएगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो अल्लाह ने फिरौन को बादशाह बना दिया, 400 साल हुकूमत करता रहा, शिमर की तलवार आले रसूल के खून से रंगीन हो गई। शिमर जैसा इंसान फाते बन रहा है और अहले बैत का खून पानी की तरह जमीन पे बह रहा है। ये वो खानदान है जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात में से चुना और छांटा। इन्नल्लाह तखय्यर अल-क़बाइल फ़ख़्तार अल-अरब, सारी कायनात में से अल्लाह ने अरबों को छांटा। ثم تخير العرب فاختار مضر, फिर उसमें से अल्लाह ने अरब की नस्ल में से मुजर को छांटा। ثم تخير مضر فاختار بني فاختار قريش, फिर मुजर में से कुरैश को छांटा। ثم تخير قريش فاختار بني هاشم, फिर अल्लाह ताला ने कुरैश में से बनी हाशिम को छांटा। ये वो खानदान है जिसको अल्लाह यूं सफाई करता रहा, सफाई करता रहा, निकालता रहा, निकालता रहा, जब सबसे खालिस, सबसे कामिल, सबसे अकमल, जमाल भी, कमाल भी, हसब भी, नसब भी, हर शय जब कमाल को पहुंची तो उसमें से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वजूद मिला। हाँ हाँ, ये वो खानदान है, वो शेख मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, वो राजपूत मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है,
वो अराई मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, वो सियाल मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। हाँ, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम वो आले हाशिम है। यरूदु बिहिल हल्लाक मिन आले हाशिम वहुम इंदहु फी निअमत व फवादिल व अहसन मिन कलम तरकत अईनी व अजमल मिन कलम तलिद النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء। वो तो अजब अल्लाह ने बनाया था। देखो मैं कहता हूँ ऐसी चीज मैंने बड़ी चंगी लग दी, तो मेरी अकल होगी ना, मेरा मैयार होगा, मेरी पसंद होगी, मेरे मैयार के मुताबिक होगी,